दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में नए दिन के साथ और नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम दिन से। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको भटोनी बनाना और देखते हैं, चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया है भटोनी और पहले हम इसको छन्नी से छान लेंगे अच्छे से और फिर इसको बनाएंगे। ये इसकी रेसिपी बहुत ही सरल है, सिर्फ 5 मिनट में भटोनी बनके हो जाती है रेडी। तो मैं आपको सिखाऊंगी आज भटोनी बनाना। और जो लोग नहीं जानते भटोनी क्या होता है, तो मैं उनको बता दूँ, जो काले वाले सोयाबीन होते हैं, काले वाले भट्ट जिनको हम बोलते हैं, उसको पीस के भटोनी बनता है। तो चलो इसको हम छन लेंगे। तो अब मैं आपको दोस्तों ये बताती हूँ कि भटोनी को छनना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि देखो। तो देखिए दोस्तों, भटोनी को छन्नी से छानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखो, जो ये मोटे मोटे ये इसमें गुठलियाँ बन रखी हैं, ये अलग हो जाते हैं और ये भटोनी हमारा। मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई गैस में और अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तेल अपने हिसाब से डालें आप, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल इसमें डाल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे तेल हो चुका है गरम और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जखिया। जखिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, आपको अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब मैं इसको इसके फ्लेम को कर देती हूँ मीडियम। अब मैं इसमें मिलाऊंगी भटोनी। भटोनी को जल्दी जल्दी भूनना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। वो जल्दी गया वीडियो बनाने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी भुनेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में। एक तो एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है, नहीं एक हाथ से थोड़ा जल चुका है, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए हम इतना कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी भटोनी भुन चुकी है और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। पहले हम कम ही पानी मिलाएंगे और अब इसमें हम मसाले डाल देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने देंगे और भटोनी हो जाएगा हमारा तैयार। मसाले डाल दिए सारे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, धनिया खत्म हो चुका है और थोड़ा सा इसमें मिला देंगे हम गरम मसाला। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बढ़ा देंगे पानी। ये अब मैंने इसमें बढ़ा दिया है पानी और हम इसको अब मीडियम फ्लेम में पकने देंगे और 5 से 7 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और फिर दिखाती हूँ मैं जब पूरा पक जाएगा तो कैसा बना है हमारा भटोनी। दोस्तों अब हो चुके हैं 5 से 7 मिनट और हमारी भटोनी बनके हो चुकी है रेडी। यहाँ पे हमारा भटोनी और भात बन चुका है और खाते हैं खाना। दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सांप जा रहा है, ताई सांप। दोस्तों फाइनली हमारा लंच हो चुका है तैयार और मुझे आ रही है बहुत ही ज्यादा नींद। अभी सो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। आधे सो लगे लो नादी की चली ना बाबा दिन का सुर जा अन्नो चाहे जमोल बाबा अन्नो को चा भरा चल कर तो बेटा राती की चली दिन का सुर जा तो भाभी आप बताओ कैसी लग रही है भटोनी? अच्छी हो रही है, टेस्टी। और टेस्टी। तो गाइज अब हो चुका है शाम का टाइम और अभी तक मैं बना रही थी रील्स और मेरी इंस्टा आईडी तन्नु पवार में जाके जरूर चेक करें और बताएं मुझे कि कैसी बनी है मेरी रील्स। और अभी यहाँ पे एक हुई है घटना घटित तो जो हमारा जिम्मू था, वल्ला हमारा जो कुत्ता था वो चला गया है उधर। अब वो लोग शायद गाली भी दे सकते हैं, कुछ पता नहीं है अभी। आई होप वो लोग देखें ना। तो गाइस अब हम जाते हैं जिम्मू को लेने के लिए।
बहुत ही भयंकर वाला रास्ता है, इधर उधर उधर झाड़ियों के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा, पर हम हैं। अरे वो खुद ही आ गया यार, ये टिम्मी भाग गया है उधर के लिए। तो गाइस ताई चढ़ चुकी है ऊपर और अभी जा रही है ताई जिम्मू को लेने के लिए। मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ मेरे बस का है चढ़ पाना कि नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। गाइज अब जिम्मू उतनी दूर, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो और भी दूर चला गया भयंकर, अब ये बहुत महंगा गाली खिलाएगा। दोस्तों अब मैं भी चलती हूँ पीछे से, और यहाँ पे ताई ऊपर के लिए जाती हुई, ओ माय गॉड ताई चली गई इतनी झाड़ियों को पार करते हुए। देखिए देखिए दोस्तों देखिए, तो देखिए दोस्तों ताई भी चली गई है उधर जिम्मू को लेने के लिए। मैं जूम करके दिखाती हूँ एक बार, इन झाड़ियों के बीच ताई भी नहीं दिखाई दे रही, कहीं ताई गायब ना हो जाए आज। तो चलो देखिए देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखो ये थोड़ा और जूम करती हूँ मैं, यहाँ पे जा रही है ताई झाड़ियों के अंदर ही अंदर, भयंकर वाला जंगल हो रखा है। यहाँ से ऊपर तो खैर डर ही लगता है ना, क्योंकि यहाँ सारा ऊपर जंगल ही जंगल है, यहाँ तो छत में भी नहीं आते हम वैसे शाम के टाइम पे, क्योंकि यहाँ बाघ भूख का डर भी रहता है ना इसलिए। और दीदी भी जा रही है जिम्मू को ढूंढने के लिए, सारे के सारे निकल रखे हैं जिम्मू की खोज में। और हमारा कुत्ता इधर नीचे की तरफ चले गया है, और यहाँ पे जंगल है और नीचे की तरफ भाग गया है, हम उसके पीछे आ गए इधर, पर उसका कोई पता ही नहीं चला कहाँ गया वो, अंधेरा भी होने वाला है। हेलो कहाँ ढूँढे हम इसको, कब से ढूँढ रहे हैं इसको। फाइनली मिल चुका है हमारा जिम्मू हमें, और बहुत ही दूर चला गया था ये, पूरे एक घंटे बाद मिला है। भाई और दीदी दोनों गए थे इसको ढूंढने के लिए, वो भी उधर जंगल में, और ताई ने फिर से ढूंढ ही लिया। तो दोस्तों यहाँ कुछ होता नहीं है कुछ खास, मैं गांव जाऊंगी कल शायद, तो तब देखते हैं, वहाँ तो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस खाना बनाओ खाना खाओ और सो जाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और चलो अब नीचे चलते हैं और रात का खाना बनाने की करते हैं तैयारी, सब्जी वगैरह काट लेते हैं टाइम से, और कुछ है नहीं यार। तो दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की समाप्ति करते हैं हम यहीं पे, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाय, टेक केयर।